हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या होने वाला है और एग्ज़ाम कितने मार्क्स का आएगा आपका टोटल पेपर, और पूरा बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इसके लिए आप लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपको अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानना है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। जैसे सपोज दैट आपने NM के लिए किया है तो आपके पास नर्सिंग का डिप्लोमा है, आपको यूपी नर्सिंग मिडवाइफ काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, और जो आप लोगों का एक टेस्ट होगा इसमें, ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और वो क्या होगा, पूरी तरीके से प्रोविजनल होगा, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, और उसमें आप जब शॉर्टलिस्ट किए जाओगे तब आप लोगों की एक क्या होगा, फाइनल मेरिट बनेगी। और यहाँ पर यह दिया गया है, कैंडिडेट हैज़ टू प्रोड्यूस ओनली दोज डॉक्यूमेंट्स व्हिच हैव बीन अपलोडेड बाय हिम ड्यूरिंग ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, वो आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो कि आपने अप्लाई करते समय क्या हुआ, अपलोड किए होंगे, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड चीज़ हम देखते हैं टेस्ट सिटीज़, ठीक है, आप लोगों का जो टेस्ट होगा, ठीक है, यानी CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो क्या होगा, उत्तर प्रदेश के जो मुख्य शहर हैं वहाँ पर होगा, ठीक है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में उसकी लिस्ट दी हुई होगी, ठीक है। और इसके लिए क्या करना होगा, उन्होंने कैंडिडेट्स को ये सहूलियत दी है कि वो तीन टेस्ट जो सिटीज़ हैं वो क्या प्रेफर कर सकते हैं, यानी कि आपके तीन शहर जो हैं, ठीक है, वो आप लोग चुन सकते हैं, ठीक है, कि कौन से तीन शहर चाहिए, जैसे आप लखनऊ चाहते हैं, ठीक है, या आप गोरखपुर चाहते हैं, आप मेरठ चाहते हैं, तो तीन आप क्या कर सकते हो, चुन सकते हो उस लिस्ट में से कि कहाँ पे हमको टेस्ट देना है, ठीक है, उस लिस्ट से, ठीक है। और एक बार जब आपका सबमिशन हो जाएगा उसके बाद आप फिर चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। और NHM के पास ये राइट है कि वो कोई भी टेस्ट सिटी को जहाँ पर आपका टेस्ट हो उसको उसको चेंज कर सकता है, ठीक है, या फिर उसको उस स्थान को क्या है, कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो जिस हिसाब से एप्लीकेंट्स उसके होंगे उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेंगे NHM। और उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, ऑफलाइन नहीं होगा, OMR नहीं होगा। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो उसका टाइमिंग क्या होगी, 2 घंटे होगी, ठीक है, 2 घंटे टाइमिंग होगी, 1 सिटिंग में होगी, यानी कि आपको बीच में ब्रेक नहीं मिलेगा, सीधे आपका टेस्ट स्टार्ट हुआ और 2 घंटे के बाद आपका फिनिश हो जाएगा। तो इसमें आपके 2 सेक्शंस होंगे, ठीक है, पेपर में, जिसमें कि टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और जो सेक्शन फर्स्ट होगा उसमें क्या होगा, 80 मार्क्स होंगे, यानी 80 मार्क्स, और ये क्या होगा, ये आपका प्रोफेशनल नॉलेज होगा, ठीक है, विल कंसिस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, जो आपने कोर्स किया हुआ, सपोज दैट आपने लैब टेक्नीशियन किया है, ठीक है, तो लैब टेक्नीशियन से आपके 80% क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, और NM किया है तो NM के आपने जो डिप्लोमा किया उसके 80% क्वेश्चंस रहेंगे, और स्टाफ नर्स तो स्टाफ नर्स के क्वेश्चंस रहेंगे 80%, ठीक है, ये बात हो गई। और उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन सेकंड पे, यहाँ पे टोटल कितना रहेंगे, 20 मार्क्स रहेंगे, यानी कि 80 आपके प्रोफेशनल स्टडी जो आपने कोर्स किया है, और 20 मार्क्स रहेंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, ठीक है, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो गया। तो इसमें आपका हो गया तर्क शक्ति, रीजनिंग, सामान्य योग्यता यानी कि जनरल स्टडीज़ और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, कितने टोटल क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू होंगे, यानी कि ए बी सी और डी। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उन ऑप्शंस सो क्वेश्चंस के ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। और उसमें आपको एक चूज करना होगा, और जो एक क्वेश्चन है वो क्या होगा, उसके लिए एक मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगी, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। आप अगर गलत आंसर देते हो तो उसके लिए आपका क्या होगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो दो भाषाओं में होगा, बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, ठीक है। और अगर कहीं पे भी अगर हिंदी और इंग्लिश वर्जन में कोई कंफ्यूजन होता है या कुछ भी क्वेश्चन, तो उसमें इंग्लिश को क्या है, इंग्लिश वाले आंसर को ज़्यादा सही माना जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ और है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी एज फॉलोज। इसमें ये है कि जो न्यूनतम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे, और अगर उतने आपके मार्क्स नहीं होंगे न्यूनतम, तो आप लोग मेरिट से बाहर कर दिए जाओगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आप जनरल हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी में आते हैं, अनरिजर्व में आते हैं, AWS में आते हैं, तो मिनिमम 30% मार्क्स आपको लाने होंगे, यानी कि 33% मार्क्स आपको लाने होंगे, यानी 100 में 33 क्वेश्चंस आपके सही होना ज़रूरी है। अगर 33 क्वेश्चन आपके सही नहीं होते हैं तो मेरिट से आप क्या हुए, बाहर कर दिए जाओगे, आप लोगों को मेरिट में कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। और सेकंड चीज़ हो गई OBC, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, यानी अदर बैकवर्ड कास्ट, इनमें 100 में 30 मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर 30 मार्क्स आप नहीं लाते हो तो आप मेरिट से बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं SC ST, ठीक है, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो उनके लिए 100 में 24 मार्क्स लाना क्या है, अति आवश्यक है। अगर आप 24 मार्क्स नहीं लाते हो तो आप मेरिट से बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपियर इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एट दियर ओन एक्सपेंसेस। आपके खुद के खर्चों पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में शामिल होना होगा, और अगर आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हो, ठीक है, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाओगे, और इसमें एक वेट लिस्ट भी बनेगी, ठीक है, एक वेटिंग लिस्ट भी बनेगी। और इसमें जो वेटिंग लिस्ट बनेगी वो एक वैकेंसी के रेशियो में 3 कैंडिडेट्स की वेटिंग लिस्ट बनेगी, ठीक है। अगर कहीं एक वैकेंसी है तो उसके उसमें जो वेटिंग लिस्ट बनेगी वो 3 कैंडिडेट्स उसके लिए वेटिंग लिस्ट में शामिल किए जाएंगे, ठीक है। तो ये रहेगी हमारी वेटिंग लिस्ट, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई आप लोगों के, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिटेल में क्या है, इसका जो सिलेबस है उसको मैं डिटेल में पूरा सिलेबस बताऊंगा, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, जिससे आप लोगों को क्लियर हो सके कि क्या आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे और आपको कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा, और चैनल ने अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।